अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, होप आप और आपके बर्ड्स और आप कैसे होंगे। ये दो चार दिनों से मुझे कॉल्स आ रही थी कि बॉक्स लगा दें या नहीं लगाएं, वेदर अच्छा हो गया है तो मैंने कहा इस पर एक वीडियो बनाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके सेटअप पे हब्स है, पसीना आता है आपको, नहीं लगाएं। सेकेंडली, लकड़ी के केजेस में आप अगर ब्रीड लेंगे तो आपको बहुत से इशू आएंगे, चाहे वो लकड़ी का पिंजरा हो या कलोनी हो, आपको बहुत इश्यूज आएंगे। जो भी अच्छे ब्रीडर्स हैं उनके सेटअप देखें, सब लोहे के पिंजरे होते हैं और वो बहुत अच्छी ब्रीड लेते हैं। एक और पॉइंट, जो भाइयों ने अपने जावा को रेस्ट नहीं दिया, नेक्स्ट सीजन टाटा बाय बाय, इस साल उनका जावा ब्रीड नहीं करेगा, हैवी डोज चलाएंगे, बर्ड्स को इश्यूज आएंगे और नेक्स्ट ईयर वो कौड़ियों के भाव अपना बर्ड सेल करेंगे, क्योंकि ब्रीड तो कर ही नहीं रहा, क्योंकि ये मशीन नहीं है। मैंने कोई यही कहा कि बर्ड को रस दें, बर्ड को रस दें, नहीं तो अभी कौड़ियों के भाव आपने सेल करना है और जिसके पास जाएंगे उनको भी इश्यूज आएंगे। इस टाइम पे अपने बर्ड की न्यूट्रिशन का बहुत ख्याल रखें, सब्जियां दें उनको, ये टाइम आपके न्यूट्रिशंस का है। अगर आप अपने बर्ड्स की न्यूट्रिशंस का इस वक्त ख्याल कर लेंगे तो वो आपको, वो ब्रीडिंग सीजन में आपका ख्याल करेंगे। तो न्यूट्रिशंस बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं। और जिन भाइयों को, एक आप ये बात नोट कर लें, जिन भाइयों ने बॉक्सेस नहीं उतारे और उनके पास ब्रीड या अंडे आए हुए हैं, 6 अंडे आएंगे, 2 बच्चे निकलेंगे, 1 बच्चा सर्वाइव करेगा और जब ब्रीडिंग सीजन आएगा वो बर्ड सारे मोल्ड पे जाएंगे, ये लिख लीजिएगा। वो सारे बर्ड नवंबर में वो मोल्ड पे चले जाएंगे, नवंबर दिसंबर मोल्ड पे चले जाएंगे, जब वो फिर एग लेंग आएगी उसके बाद मौसम खुलेगा, सिर्फ आप एक ही क्लच ले सकेंगे, पूरे साल में आपके पास एक क्लच आएगा, क्योंकि आपने बर्ड को तंग किया, ब्रीडिंग सीजन में बर्ड आपको तंग करेगा। छोटी सी वीडियो सी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। लकड़ी के केजिस में ब्रीड नहीं लेनी, बहुत इश्यूज आएंगे, बहुत इश्यूज आएंगे। और न्यूट्रिशंस का बहुत ख्याल करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अस्सलाम वालेकुम।